एल साइज ठीक रहेगा, एक्सेल ही सही रहेगा। एल सही रहेगा, मैं एक्सेल दूंगा ना। हाँ, मोस्टली आर्मर कहाँ पे रहते हैं, यहाँ से चालू हो गए स्टार्ट शोल्डर पे, तो आपको दूंगा तो यहाँ से आएंगे वो, मतलब लूज होगा। लूज होगा तो मतलब नहीं उसको। ये प्रॉपर है? हाँ ये प्रॉपर है। इसका आपको आर्मर का क्या क्या? ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ, थोड़ा एक राइड का प्लान किया है मैंने, मानसून में अभी राइड का प्लान किया है, तो उसी का प्रिपरेशन चल रहा है, उसी के लिए मेरे को थोड़ा स्टफ लेना है, तो वही सब आज लेने जा रहा हूँ। तो बाकी मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, क्या क्या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ राइड के लिए, मैं किधर जाने वाला, सब मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगा, तो ब्लॉग में बने रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाइक की हालत तो देखो, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। चालू भी होगी कि नहीं मालूम है। हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। तो चलो पहले बाइक को पहुंचता हूँ, फिर निकलते फटाफट। ऑलराइट, सो फाइनली निकल गए। और आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यार, मतलब ह्यूमिडिटी इतना बढ़ गया है ना, इतना सिंपल सा टी शर्ट डाल के फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और वैसे मैं अभी जा रहा हूँ एरोली रूम शॉप, क्योंकि अभी मानसून की राइड के लिए निकलना है हमें भी, तो उसी का सब प्रिपरेशन चल रहा है। आज मैं जा रहा हूँ जैकेट लेने के लिए, और देखते हैं और क्या क्या उधर लेने जैसा लगेगा वैसा ले लेंगे। और हाँ, एक बड़ा अपडेट, अभी सब मानसून राइड के ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो जो लोगों को ट्रैवल वीडियोज़ पसंद है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड किया है कि कुछ लोकेशंस मैंने डिसाइड करके रखे हैं कि ये मेरे को मानसून में राइड करना ही है। और सब वही सब होगा, सिनेमैटिक्स हो गए, ब्लॉग्स होगा, राइड होगा, फन होगा पूरा, तो वो सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्लाइमेट भी क्या सही हो रहा है यार, कभी कभी बीच में ही धूप आ रही है, बीच में ही छाव आ रही है, बस ऐसे ही चले, बारिश ना आए, क्योंकि बारिश के लिए कुछ भी नहीं लाया, पूरा भीगना पड़ेगा हम लोग को। अभी कुछ दिन बहुत सारे काम करने हैं, फिर राइड के लिए निकल रहे हैं तो बाइक का भी पूरा चेकअप वगैरह करना पड़ेगा, क्या वो राइड रेडी है, कुछ छोटा मोटा काम रहेगा तो वो सब करना पड़ेगा उसका भी, मतलब प्रॉपर अभी एकदम प्रिपरेशन के साथ निकलेंगे राइड पर, क्योंकि बारिश में कुछ भी हो गया तो भाई बीच में रिस्क नहीं ले सकते। एक तो वैसे भी TVS की ज़्यादा शोरूम है नहीं, सब जिधर ये सब RR 310 का सर्विस करा सके, कुछ भी हो गया तो उधर जा सके, इसके लिए पहले ही सब सेफ्टी के लिए जाना चाहिए। Thank you.
एल साइज ठीक रहेगा, एक्सेल ही सही रहेगा? एल सही रहेगा, मैं एक्सेल दूंगा ना। हाँ, तो मोस्टली आर्मर्स कहाँ पे रहते हैं, यहाँ से चालू होते हैं स्टार्ट शोल्डर पे, तो आपको दूंगा तो यहाँ से आएंगे वो, मतलब लूज होगा, लूज होगा तो मतलब नहीं उसको। ये प्रॉपर है? हाँ ये प्रॉपर है। इसका आपको आर्मर का क्या क्या लेवल टू, कौन सा लेवल टू शोल्डर, एल्बो बैक, और चेस्ट के लिए? चेस्ट के लिए आपको पॉकेट फिंगर मिल जाएगा। ये वाटरप्रूफ पॉकेट है क्या? कह सकते हो, बट हाँ ये वाटरप्रूफ है, बट इसमें अगर कुछ रखोगे तो मतलब चुभने का सामान मत रखना, पड़ जाएगा। हाँ मैश भी है ना क्योंकि। और इसमें लाइनर? लाइनर आपको अलग से लेना पड़ता है। अलग से लेना पड़ता है? हाँ। और लाइनर किसके साथ में आता है फिर? लाइनर अभी जो पुराने वाले थे उसमें आते थे, अभी जो नया आ रहे हैं उसमें लाइनर से रेन जैकेट अलग से आता है। तो उसका क्या कॉस्ट है रेन जैकेट का? और रेन 900 है रेन जैकेट का, तो वो बाहर से या अंदर से? ऊपर से ही है ना, तो क्वालिटी अच्छी है, बट कंपेयर जो पहले मिलता था ना ये वाला। All right, so हो गया जैकेट वगैरह लेके, हो गया और बस जैकेट लेने के लिए आया था, बट राइनोक्स से ग्लोव्स भी अच्छे लगे तो ग्लोव्स भी ले लिया। हमेशा ऐसे ही होता है, एक चीज़ लेने हो तो दूसरी पसंद आती है और वो लेना ही पड़ता है फिर, बट सो फार सो गुड, अच्छा प्रोडक्ट मिला है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा मैं जैकेट के बारे में कैसा है क्या है। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।